ट्रंप खुला बोल दिया ही विल अलाउ सेल्फ कस्टडी और ये कार्टेल को कंट्रोल करने नहीं देगा। दैट इज क्लियर बुलिश साइन। एक तो ETF अप्रूव हो रहा है, उससे एटलीस्ट 10 times रेट बढ़ेगा। अभी क्या चल रहा है, पैसा जब्त होता है इंडिया में। कांग्रेस, इनके पास क्रिप्टो अवेयरनेस नहीं है। कांग्रेस का कुछ 500-600 करोड़ रुपया फ्रीज कर दिया और 13,000 करोड़ का फाइन मार दिया, और आपका भी पैसा कुछ फ्रीज हो गया, फाइन चल रहा है। तो इन मादर जात लोगों के कंट्रोल में रहेगा और तुम अपोजिशन में रहेगा, तुम्हारा पैसा जब्त होता है, तो ये तकलीफ़ वाला काम है। अभी तुम्हारे पास 100 करोड़ रहेगा, जब्त हो गया तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इट इज़ एज गुड एज यू हैव नथिंग। तो सेल्फ कस्टडी इम्पॉर्टेंट है। और अगर ट्रंप सपोर्ट करता है ये सब, तो इससे ट्रेडिंग मनी मार्केट भी तूफान आएगा। तुम USDT में कन्वर्ट कर सकते हो, इट विल बी एज गुड एज हैविंग डॉलर, और सामान बाय करोगे और मनी मार्केट तुम ब्याज पे रखोगे, क्रिप्टो करेंसी पे ब्याज, जो बैंक अकाउंट का, सेविंग अकाउंट का ब्याज है उससे ज़्यादा है। तो तूफानी पैसा आएगा उधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, सब जगह से। और इससे ऑलमोस्ट एवरी, इवन छोटा पोर्टफोलियो वाला क्रिप्टो होल्डर भी अमीर बनेगा, काफ़ी अच्छा खासा अमीर। तो इतना टाइम से बोल रहा था बैन होगा वैलेट, सेल्फ कस्टडी नहीं, डेक्स नहीं, अभी गेम पलटी हो गया, अभी सब कुछ अलाउ करेंगे, इससे पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। इससे टैक्स बचाने का रास्ता खुल जाता है। और ऑफकोर्स प्रॉफिट हुआ तो 30% गवर्नमेंट को जाके देने का, सब देशभक्त, और तुमको तो मालूम है मैं कितना देशभक्त हूँ। तो इवन इफ यू हैव USDT, इट विल बी एज गुड एज हैविंग कैश, ये फर्क पड़ जाता है। और ETF का अभी तूफान आने का है। आई एक्सपेक्ट इथेरियम टू गो मोर देन बिटकॉइन बिकॉज ऑफ द यूज केस, और जो मनी मार्केट इस पर डेवलप होगा उसके वेस पे, मनी मार्केट, NFT, ये सब। NFT एक्चुअली कचरा है, बट NFT का टोकन का प्राइस अचानक बढ़ता है। अपने को क्या वॉल्यूम चाहिए जिससे ट्रांजैक्शन फी बढ़े, उसका यूज़ केस बढ़े, नेटवर्क का वैल्यूएशन बढ़े, जिससे इथेरियम का वैल्यूएशन बढ़ता है। तो ये बुलिश न्यूज़ है जो भी, और ये सरकार बैन करेगी, ये मैं 5-6 साल 7 साल से दोस्त लोग को बोल रहा है, किसी ने इन्वेस्ट किया नहीं है। वो लोग मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, पर क्रिप्टो वाले एक झटके में उनसे काफ़ी आगे निकल जाएंगे, ये फर्क रहता है। एक तरफ तूफानी रिच और एक तरफ तड़पता हुआ मिडिल क्लास, काफ़ी फर्क आएगा। तो क्रिप्टो वालों के रेंज रोवर खरीदने के दिन आ गए। ऑफकोर्स ट्रंप पलटी नहीं मारना चाहता है, नहीं मारना चाहिए,
पर आई डोंट थिंक पलटी मारेगा क्योंकि उसमें ब्लैक रॉक भी है और ट्रंप ने खुद ने पैसा कमाया NFT से क्रिप्टो वाला, तो उसने यूज़ किया, उसको पता चला इसका क्या बेनिफिट है, उसका प्रॉपर्टी पैसा कुछ तो बैंक वाला जब्त कर रहा है। अगर कांग्रेस का पैसा बिटकॉइन या इथेरियम में होता था तो सील नहीं होता था। तुमने देखा कांग्रेस का मैंने अभी तक 2 या 3 एड देखा है, BJP का हर जगह ऐड है, फेसबुक खरीद लिया है, गूगल खरीद लिया है प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, और न्यूज़ चैनल तो सब खरीदे हुए हैं। तो अक्खा दिन BJP की वाह वाह होती है और प्रोपेगेंडा से बहुत बड़ी ब्रेन वॉशिंग हुई है लोगों की। इवन ये सत्ता में आता है, अगर ट्रंप प्रो क्रिप्टो है तो ये ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं सकता है, क्योंकि क्रिप्टो वाले का पैसा USDT क्रिप्टो में रहेगा, जब भी चाहिए दे कैन कैश आउट, USDT विल बी एज गुड एज कैश आउट, और वैसा करके देर विल बी नथिंग टू स्टॉप दिम। ऑफकोर्स सारे देशभक्त जब 30% जब प्रॉफिट होगा तो 30% दे देंगे, ये तो सबको मालूम है। तो पूरा गेम चेंज हो गया, बैन होने वाला है, सब लोग डरे हुए थे, एक अनसर्टेनिटी मार्केट में थी, अभी चली गई। अभी प्रो क्रिप्टो न्यूज चालू है, ETF का बड़ा गड्डी आना बाकी है। तो तुम सोचो कितना पंप होगा। तो ये फर्क रहता है, अपने जितना अमीर कोई भी नहीं रहेगा। आज के डेट में मेरा खानदान में उतना ये नहीं है जितना मेरा अकेले का है, तो वो फर्क रहता है। दिस इज क्रिप्टो, ये रेंज रोवर खरीदने की अवकात बनाता है जो नॉर्मल आदमी सोच भी नहीं सकता है। ऑफकोर्स टैक्सेशन ये सब थोड़े लफड़े हैं, वो आगे जाके इवॉल्व होगा। ऑफकोर्स BJP सत्ता में आएगी, लोगों का खून चूसेगी और बुढ़ापे में ये पागल हो गया बुढ़ा, किसी को पैसा कमाते अच्छा सेहत देखना ही नहीं चाहता। ये लोगों को 5 किलो का राशन का लाइन में खड़ा देखना चाहता है, गरीब देखना चाहता है, बीमार देखना चाहता है, ताकि इसका पप्पा बिल गेट्स खुश हो जाए और इसको थोड़ी दे दे गड्डी, जो ये भूखा है बचपन से। तो अगर ट्रंप इलेक्शन जीतता है और वो अगर प्रो क्रिप्टो नियम बनाता है तो कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है, क्रिप्टो वाले को पैसा कमाने से कोई नहीं रख सकता है, क्योंकि डेक्सेस पे ट्रेड होगा, मनी मार्केट होगा डेक्सेस पे, ब्याज आएगा, बोरोइंग लेंडिंग होगा, और ऐसा करके क्रिप्टो होल्डर्स के पास तूफानी पैसा आएगा।